अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन हम जो रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर वह है फिज़िकल स्टेट ऑफ द अर्थ। आज हमने सफ़ा नंबर 5 के ऊपर जो चीज़ पढ़नी है वो है नॉर्मल फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। सबसे पहले आ जाए नॉर्मल फॉल्ट। इन नॉर्मल फॉल्ट पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। के नॉर्मल फॉल्ट क्या होती है, उसमें क्रस्ट के जो पार्ट्स होते हैं यानी क्रस्ट जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो क्रस्ट के जो पार्ट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इस डायग्राम में तो ये एरो के निशान से आपको नज़र आ रहा है कि एक इस तरफ जा रही है प्लेट अर्थ क्रस्ट का पार्ट और एक उस तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं। ड्यू टू द रिमूवल ऑफ अपर लेयर लावा कम और थ्रू द वीक पॉइंट्स ऑफ अर्थ एंड वॉल्केनिक इरप्शन अकर, और उसकी जो लेयर ऊपर वाली जो होती है उसके रिमूव होने की वजह से लावा जो होता है अर्थ के वीक पॉइंट्स से निकलना शुरू हो जाता है और वॉल्केनिक इरप्शन जो है वाकिया होती है, यानी वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है कि लावा बाहर आना शुरू हो जाता है। सेकेंड है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, व्हेन पीसेस ऑफ प्लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, के जब प्लेट्स के पीसेस टुकड़े जो हैं वो आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे देखें एक इस तरफ एरो का निशान जा रहा है यानी एक प्लेट उस तरफ जा रही है और एक इस तरफ आ रही है, तो जब वो दोनों आपस एक आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं दे रब अगेंस्ट ईच अदर और वो एक दूसरे से टकराते हैं, रब करते हैं, रगर खाते हैं, सच टाइप ऑफ फॉल्ट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और इस तरह की फॉल्ट को हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं। इन दिस फॉल्ट नो पार्ट ऑफ अर्थ मूव अप और डाउन, और इस तरह की फॉल्ट में क्या होता है कोई भी हिस्सा दोनों में से कोई भी एक पार्ट जो है वो अप और डाउन नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मल फॉल्ट में होता है, तो इसमें कोई भी अप डाउन नहीं हुआ बल्कि उनका लेवल ऊपर से बिल्कुल बराबर है। फिर थर्ड आ जाए रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट अकर व्हेन प्लेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। यहाँ पे देखें ये एरो का निशान, ये प्लेट भी इस तरफ मूव कर रही है और ये भी इस तरफ मूव कर रही है, यानी दोनों आमने सामने आ रही हैं। ड्यू टू द प्रेशर बिटवीन प्लेट्स अर्थक्वेक एंड इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज अकर, और जब दोनों में के दरमियान प्रेशर पड़ता है, दोनों ज़ाहिर है आमने सामने जब एक दूसरे को जोर लगाएंगी तो प्रेशर पड़ेगा, जब प्रेशर पड़ता है तो वॉल्केनिक इरप्शन होती है और अर्थक्वेक आते हैं। इन दिस वे द प्लेट्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड यूजुअली माउंटेन्स आर फॉर्म, और इस तरह से प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। अगर यहाँ पे देखें दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, ये नीचे आ गई हुई हैं, तो और इस तरह से अमूमन माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी फॉल्स की टाइप्स, तो कल हम इंशाल्लाह मेजर प्लेट फॉल्स इन पाकिस्तान करेंगे। अल्लाह हाफिज़।